हाँ जी, एक पतित है, सब पतित है, एक पावन है तो सब पावन है। किसके लिए? सबके लिए लागू होता है, सो एक के लिए लागू होता है। जो एक के लिए लागू होता है सो सबके लिए लागू होता है। माने पतित तो दुनिया ही है, तो पतित दुनिया में सब सब पतित है। और पावन दुनिया है तो पावन दुनिया में सब पावन है। कोई एक को पकड़ लो वो भी पावन ही मिलेगा। अच्छा, बड़े से बड़े को पकड़ लो, हीरो पार्टधारी को पकड़ लो, वो भी पावन है। कोई छोटे छोटे पार्टधारी को पकड़ लो, जो एक जन्म लेने वाला हो तो पावन है। नहीं, एक जन्म लेने वाला पावन कैसे होगा? एक जन्म लेने वाला तो पतित होगा। जो 84 जन्म लेने वाले हैं वो सब पावन ही होंगे। वो पावन की दुनिया है, पावन की दुनिया है तो संगम युग है, सतयुग का पहला जन्म है। और पतितों की दुनिया है तो जरूर कलयुग का आखिरी जन्म है। और संगम युग सागर कब से? एक भी आत्मा कलयुग के पापों की गठरी उतार दे तो अकेली उतारेगी या कुछ और आत्माएं भी संगी साथी बनेंगी? वो भी उतारेंगी। क्या होगा? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो ये कहावत यहाँ की है, संगम शक्ति बल कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है। पांचों नदियां अगर मिल जाती हैं तो मजबूत मुगदर बन जाता है, मुट्ठी बन जाती है। और पांचों अगर खुल जाती हैं तो एक एक उंगली को आराम से तोड़ा जा सकता है। यही बात है संगठन की। अगर हम संगठित होकर के रहेंगे तो हम सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पांडवों ने क्या किया है? पांडव संगठित थे, एक धर्म एक राज्य है, एक भाषा बोलते थे। तो पांच पांडवों ने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त किया। तो ऐसे ही है, संगठन की बड़ी भारी महिमा है। परंतु ये संगठन रूपी यूनिटी प्योरिटी से प्राप्त होती है, और प्योरिटी सिवाय शिव बाबा के और कोई दे ही नहीं सकता। शिव बाबा आता है तो ये नहीं देखता कि ये प्योर है कि इम्प्योर है, देखता है ये नहीं देखता है कि ये प्योर है इम्प्योर है। क्या देखता है? पवित्र है अपवित्र है ये नहीं देखता है। देखता क्या है? है हिम्मत देखता है। हिम्मत बच्चे तो मदद बाप बनता है। बाबा, इलाज को जो गंगा है वो कानपुर को सब चीज जुड़ जाता है। इलाज में जो गंगा है, इलाज कानपुर के साथ में जो गंगा है, ये है ना गंगा, गंगा गंगा। हाँ, कानपुर के साथ रिलेटेड कैसे बोल रहे हैं? कानपुर में गंगा पहले है, जब गंगा उतरती है गंगोत्री से तो पहले पहले ऋषिकेश से पहाड़ से नीचे उतरती है। ऋषिकेश पहाड़ पर है, पहाड़ से नीचे उतरती है तो हरिद्वार में आती है, हरिद्वार से नीचे उतरती है तो फर्रुखाबाद में आती है, और फर्रुखाबाद से नीचे उतरती है तो कानपुर जाती है, कानपुर से नीचे उतरती है तो इलाहाबाद जाती है, इलाहाबाद के बाद फिर वाराणसी में जाती है, वाराणसी से पटना होते हुए फिर जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर के गंगा, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मेल सागर के साथ हो जाता है। हाँ, तो पूछना क्या है इसको? बेहद का क्या? बेहद का अर्थ यही है कि गंगा पहले कानपुर में जन्म लेती है, कानपुर में बेसिक ज्ञान में चलती है, बाद में फिर इलाहाबाद इलाहाबाद पहुँचती है। इलाहाबाद में तो भारी कोर्ट है, इलाहाबाद का कोर्ट ऑल इंडिया में प्रसिद्ध है।
धर्म का जब कोई बहुत भारी चिंतन होता है तो कौन से कोर्ट में होता है? इलाहाबाद की कोर्ट में होता है। सुभद्रा का दशरथ का 12, बलराम का 14, जगन्नाथ का 16, ये की बिहार का क्या है? ये क्या क्या टीवी की बातें निकाली हुई है? है क्या क्या बोला? सुभद्रा का चाका रतनपुर जो चाका है वो 12 है। सुभद्रा का रथ का चाका 12 है। वो तो मोस्टली जो सुदर्शन चक्र है ना, उस चक्र में भी 12 चक्के होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, तो 12 कुछ चक्के कोई दूसरे नहीं है। सामान्य आत्मा के 84 के चक्र को देखना है तो 12 आत्माओं में सब कुछ देखने को मिलेगा। राशियाँ कितनी है? सारी दुनिया के मनुष्य कितनी राशियों में बटे हुए हैं? 12 राशियों में जो होगा वो सारी दुनिया के मनुष्य आत्मा में वो ही चक्र भरा हुआ होगा। 12 से बाहर कोई है ही नहीं। और साढ़े 4 लाख सूर्यवंशी, 4.5 लाख का चंद्रवंशी है, 6 लाख है, 6 लाख चंद्रवंशी में, 6 लाख नहीं कैसे होता है? 4.5 लाख सूर्यवंशी का मतलब ये है कि 4.5 लाख है ज्ञान सूर्य की डायरेक्ट वो औलाद जो 4.5 लाख चंद्रवंशियों को जन्म देते हैं। शतुग में जो जन्म लेने वाले होंगे वो चंद्रवंशी होंगे या सूर्यवंशी होंगे? चंद्रवंशी होंगे। और जो जन्म देने वाले होंगे वो संगम युग से प्रारब्ध लेकर के गए हैं, उन्होंने ज्ञान सूर्य से प्रारब्ध पाई है। 4.5 लाख में होगा है, 4.5 लाख एडवांस में आएगा बिल्कुल नहीं। 4.5 लाख चंद्रवंशी पूरा आएगा, चंद्रवंशी बीके में से निकलेंगे। बीके में सभी धर्मों के हैं, बीके में सभी धर्मों के हैं, लेकिन सभी धर्मों में से कौन से खींचेंगे? ये चंद्रवंशी होंगे वो ही खींचेंगे, दूसरे नहीं खींचेंगे। माने ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाले पक्के पक्के, क्या सब पक्के हैं? नहीं, नहीं? बाबा हमारे घरे गीता पाठशाला तो परिवार सभी ज्ञाने चलता है, तो बड़ो ऐले ज्ञाने चले ना तो तारी सहयोग करे किंतु ज्ञाने चले ना। कोई बात नहीं, पाठशाला होती है तो पाठशाला में सब एक जैसे स्टूडेंट होते हैं या नंबरवार होते हैं? कोई तो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई धीरे पढ़ाई पढ़ने वाले होते हैं, कोई उच्च पद पावेंगे, कोई साधारण पद पावेंगे। ये तो राजधानी तैयार हो रही है, कोई राजाएं बनेंगे, कोई रानियां बनेंगी, कोई दास दासी बनेंगे, कोई चांडाल बनेंगे, कोई फर्स्ट क्लास प्रजा बनेंगे साहूकार, कोई थर्ड क्लास प्रजा बनेंगे। अब चिंता क्यों कर रहे हैं? है मोह लगा हुआ है क्या? मोह लगा हुआ है ओ, बोल बेटा अभी देरी से जाओ। मोह लगाओगी तो खुद भी रह जाओगी। हाँ इसलिए खुश रहो, जो हो रहा है सो बढ़िया हो रहा है। हम गर्मी में रहता हूँ, हमारा घर है नानू जी, वहाँ पे बेसिक है, एडवांस नहीं है। हम वहाँ पर गीता पाठशाला खुलने चाहता हूँ आपका परमिशन लेने। आप है ना एडवांस के? एडवांस है। फिर क्या ऐसे क्यों कहते एडवांस लेने? रहता है वो, बताते हम लोग रहता ही है। अब वहाँ नहीं रहते? वहाँ पर नहीं रहते, यहाँ पर रहते। चलो कोई बात नहीं, वहाँ कभी कभी जा करके वहाँ फाउंडेशन डाल दो, है कभी जाओ जा करके 2-4 आत्माओं को उठाते रहो। वहाँ पे क्लास कर सकते हैं? क्लास तो तब हो जब 4-6 इकट्ठे निकले। क्लास माने संगठन, संगठन तो तब बनाओगे जब 4-6 को इकट्ठा कर लो, भट्टी करा दो, तब फिर उनका संगठन बनाओ। अभी 4 आत्मा जाएंगे भट्टी करेंगे। हाँ जी हाँ जी, अभी 4 आत्माओं को जब ले जाओ भट्टी करा दो, फिर उनका संगठन कराओ। भट्टी करके वहाँ पे क्लास कर सकते हैं? हाँ जी हाँ जी। और वो माला कैसे घुमा जाता है? अरे
63 जन हम माला घुमाते रहे, अब पूछ रहे हैं माला कैसे घुमाई जाती है। गुनती होते है ना, हैं सुनते होते है ना, गलती होती है, गिनती 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 काउंटिंग। हाँ, 1 2 3 4 108 मणके होते हैं। हाँ, क्लॉकवाइज होता है ना, क्लॉकवाइज है, मतलब बोल रहा है क्लॉकवाइज होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा करके घुमाता है ना माला, जब घूमेगी तो ऐसी घूमेगी ना उल्टी उल्टी। आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं या ऊपर से नीचे उतर रहे हैं? आप अभी जीवन में नीचे स्टेज से ऊंची स्टेज में जा रहे हैं या ऊंचे से नीचे गिर रहे हैं? नीचे ऊपर जाते हैं। तो माला भी ऐसे ही चलेगी। हाँ, सतर्कता का समय डुमाऊ का है, रात के 12 बजे 1 मिनट हुआ तो सिंधुआ प्रदेश के माता में, रात के 12 बजकर जरूर 1 मिनट हुआ तो आप सिंधुआ प्रवेश किया माता में, शिव बाबा ने ब्रह्मा ने प्रवेश किया, एक माता का माता में प्रवेश किया शिव बाबा ने। ये किसने कहा? रात के 12 बजे पे 1 मिनट हुआ, मतलब भक्ति भाव से मनाते हैं? नहीं, हम लोग का एडवांस जो ज्ञान मिला है उसी हिसाब से शिव बाबा का जो पवित्रता हुआ वो 1936 के जो साल था वो रात 12 बजे हुआ, 12 बजकर 1 मिनट ऐसा करते हुए। वो तो किसी को पता ही नहीं ना। बच्चा जब गर्भ में आता है तो कोई को पता चलता है क्या? मालूम पड़ता है? नहीं। जब पैदा होता है तो सबको पता चलता है। तो सन 36 में प्रवेशता हुई, तो प्रवेशता का किसी को पता नहीं है। जब पैदा होता है सन 76 में तो परिवार वालों को पहले पता चलता है, फिर बाहर वालों को पता चलता है। तो ऐसे दुनिया में धीरे धीरे प्रत्यक्षता होती जा रही। 100 वर्ष का काउंटिंग कैसे हुआ है? 100 वर्ष का संगम जी का 100 वर्ष का काउंटिंग उसी समय से, 36 जब से साक्षात्कार हुए। और दिन में जब सूर्योगन होते हैं, है? दिन में जब सूर्योगन होते हैं तो चाइल्डिक अंधकार क्यों हो जाता है? यह भारत का जो ग्रहण लग जाता है तब सब डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। सूर्य को ग्रहण लगता ही नहीं है वास्तव में, ये तो लोगों को अज्ञान है, अंधकार है कि सूर्य को ग्रहण लगता है। सूर्य तो आग का गोला है, आग का गोले में अंधेरा कहाँ से आएगा? हाँ, एक तरफ आग का गोला है, बीच में पृथ्वी आ गई, है ना? एक तरफ चंद्रमा है, या बीच में चंद्रमा है, एक तरफ पृथ्वी आ गई, तो पृथ्वी वासियों को चंद्रमा का अंधेरा पड़ता है, नहीं समझे? ये सूर्य चमक रहा है, सूर्य दम 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 आ रहा है, बीच में चंद्रमा आ गया, तो चंद्रमा का परछाया किसके ऊपर पड़ेगा? पृथ्वी पर पड़ेगा या सूर्य के ऊपर पड़ेगा? पृथ्वी पर पड़ेगा। तो पृथ्वी के उस हिस्से के लोग अंधेरे में आ जाते हैं, अंधेरे में आ गए तो वो समझते हैं कि सूरज अंधेरे में है। सूरज में अंधेरा कभी होता ही नहीं है, सूरज तो सदैव उजाले में रहता है। अभी भी ऐसे ही है, जो ज्ञान सूर्य का पार्टधारी है लोग उसको समझते हैं ये विकारी है, इसको अज्ञानता का ग्रहण लगा हुआ है, इसको विकारों का ग्रहण लग गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है वास्तविकता? वास्तविकता ये है कि जो पृथ्वी के रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर ज्ञान चंद्रमा का परछाया पड़ रहा है। ज्ञान चंद्रमा जो ब्रह्मा है, भूत प्रेतानी आत्मा, वो उनकी बुद्धि को घुमा रही है। किसके प्रभाव के द्वारा? धरणी के प्रभाव के द्वारा। वो धरणी प्रभावित हो गई, धरणी माने कन्या माता है। कहाँ है वो कन्या माता है?
बेसिक में है एडवांस में बेसिक में, वो बेसिक में जो कन्या माता है रूपी धरणी है, वो धरणी अज्ञान अंधकार के प्रभाव से प्रभावित हो गई, चंद्रमा का अंधेरा उनके ऊपर पड़ रहा है परछाया, और उसके प्रभाव में जो लोग आ जाते हैं वो सब अंधकार में आ जाते हैं। अब वो चाहे एडवांस में हो और चाहे बेसिक में हो, नहीं आया समझ में? हाँ जी बाबा, गुड नाइट हमको तो नहीं बोलना चाहिए था। गुड नाइट कहा जाता है तब जब एक दूसरे से अलग होते हैं, पति पत्नी थोड़े ही एक दूसरे से गुड नाइट करते हैं। तो शिव बाबा हमारा साजन है, हम उसकी सजनी है, तो साथ ही साथ रहेंगे कि गुड नाइट करेंगे? नहीं, नहीं। तो गुड नाइट नहीं करनी है, है? ओम शांति करके कहे कि ओम शांति, साथ ही साथ सो जाए शिव बाबा को साथ में लेके, है? बाबा अस्तित्व बोलता है परम धाम में, छोड़ता नहीं है, अस्तित्व माने नहीं, चित्त माने गिरा हुआ, नहीं गिरा हुआ क्या? ये पेन है, चित्त हो गया, चित्त माने गिर गया, और ये नहीं गिर रहा है, यहाँ का यही टंगा हुआ है। अच्युत तो शंकर जी जो है उनका वीर्य कैसा है? अमोघ माने च्युत, गिरने वाला है, यह अच्युत है, इसीलिए उसको अच्युत कहा जाता है। अच्युतम केशवम, ये नाम जो दिए हुए हैं श्लोक में वो शिव बाबा की महिमा है, कि शिव बाबा जब किसी तमकर रथ में प्रवेश करता है तो उसकी ऐसी स्टेज बनाई देता है। सचिदानंद स्वरूप हम शिव, हम शिव कहते कहाँ है, ये तो बनाई हुई बात है, ये तो ब्रह्मा कुमारियों ने बातें बनाई दी हैं। वास्तव में ब्रह्मा के तन में शिव ने सन 36 में प्रवेश ही नहीं किया, प्रवेश करे तब तो कहे शिवो हम शिवो हम। एक सौ आठ माला, आठ माला, 16,000 माला जो माला में आएगा उसकी बुद्धि में रिपीट होगा क्या? उसकी बुद्धि में लिखा रहेगा कौन सी माला में जा रहा हूँ? अरे जो माला में आएगा जिसका रिजल्ट निकलेगा, पास विद आनंद का रिजल्ट निकलेगा, तो उसकी बुद्धि में रिपीट नहीं होगा, सबसे पहले तो उसे ही पता चलेगा, आने का टाइम रिपीट होगा। हाँ, सबसे पहले उसी को पता चलेगा कि मैं आने वाला हूँ, कौन सी माला में आ रहा है, हाँ, कौन सी माला में आने वाला है, वो भी पहले उसकी बुद्धि में आएगा, कौन से नंबर का, कौन से नंबर में आने वाला है, वो भी पहले उसकी बुद्धि में आएगा, दूसरों की बुद्धि में बाद में आएगा। साक्षात्कार बुद्धि का होगा, बंद आंखों का नहीं, यहाँ पर पाठ बजा बुद्धि में यहाँ पर रिपीट होगा। हाँ जी, और उसका दिशा भी क्या होगा? मनन चिंतन मंथन, इनका मनन चिंतन मंथन ही नहीं चलता, वो तो जामड़ी बुद्धि हो गए। चैतन्य बुद्धि है या जट बुद्धि है? जट बुद्धि है, जिसका जितना जास्ती मनन चिंतन मंथन चलेगा वो उतना ही ऊंचा मणका बनेगा। हाँ बाबा, ड्रामा ड्रामा अनुसार सब कुछ रिपीट होता है। हाँ जी, तीव्र पुरुषार्थ करने से ड्रामा में बुराई रिपीट को अच्छा रिपीट में बदलना संभव है? मालूम थोड़े ही है, मालूम है क्या है? ये मालूम है हमको पहले से? नहीं नहीं बाबा, बस नहीं, इसलिए ऐसे नहीं कह सकते। 460 से 2000 तक
শুটিং হওয়া খুব সম হ্যাঁ ষাট সে দু হাজার টাকা শুটিং হবে ষাট সে দু হাজার চার ষাট সে দু হাজার চার তক যে শুটিং হওয়া সুসম হ্যাঁ সুসম আর কি স্থূল হ্যাঁ বুদ্ধিগত ই তো হ্যাঁ বুদ্ধি কে দ্বারা হি তো পরিবর্তন হো রা হ্যা দু হাজার চার তো চলা গিয়া দু হাজার চার পুরা হো গিয়া আব উসকে বাদ প্র্যাকটিক্যাল পরিবর্তন কহাঁ সে শুরু হোগা সূর্যবংশ সে শুরু হোগা ইয়া চন্দ্রবংশ সে শুরু হোগা হ্যাঁ সূর্যবংশ সে শুরু হোগা তো রাজধানী তৈয়ার হোনা শুরু হোই কি নাই প্র্যাকটিক্যাল মে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যে শুটিং হো রা আমি যে দু হাজার চার তো চলা গিয়া दो हजार चार चला गया तो क्या हुआ शूटिंग चल रहा है चल रहा है प्रैक्टिकल शूटिंग चल रहा है और अंत तक चलेगी जब तक नौ लाख की पूरी राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक शूटिंग तो चलती रहेगी चार जून का शूटिंग हो जाए हैं चार जून का होता है शूटिंग सूक्ष्म चीज है और प्रैक्टिकल ड्रामा वो बड़ी चीज है ह्यूज ड्रामा तो बाद में होगा कि पहले होगा बाद में होगा हाँ आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा किसी को कारण है हाँ आत्मा सो परमात्मा ब्रह्मा कुमारियां कहती है आत्मा सो परमात्मा गलत बात है कहती है कि नहीं गलत है कि आत्मा सो परमात्मा गलत बात है भक्ति मार्ग क्या कहते हैं आत्मा सो परमात्मा तो अगर आत्मा सो परमात्मा नहीं बना कभी तो फिर ये गायन कहाँ से आ गया जरूर कोई न कोई आत्मा है जो परमात्मा की स्टेज पर स्थिर हो जाती है तो कौन है वो एक ही शंकर है जो शिव के साथ मिलकर के शिव शंकर एक हो जाता है वो ही आत्मा वो ही परमात्मा स्वरूप बन जाती है और तो 33 करोड़ देवताओं में से कोई का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा गया है किसका नाम जोड़ा गया है एक शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा गया ऐसे भी नहीं है कि शिव और शंकर दोनों एक है शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी शंकर का अर्थ होता है शमनकारी संहारकारी तो शिव और शंकर एक नहीं हो सकते शिव लिंग कहा जाता है शंकर लिंग नहीं कहा जाता शिव की बारात कही जाती है शंकर की बारात नहीं कही जाती शिव शिव की मूर्ति नहीं होती है शिव अमूर्त है सदैव निराकार है सदैव ज्योति बिंदु है और शंकर की मूर्ति शंकर की मूर्ति होती है तो ऐसे भी नहीं कि दोनों एक है हैं तो दोनों अलग अलग आत्मा है लेकिन जब निराकार शिव साकार मूर्ति में प्रवेश करता है तो उसको आप समान निराकारी बना देते हैं तो आत्मा सो परमात्मा की स्टेज पर स्थिर हो जाती है बाबा सेवा करे तो कैसे तरीके सेवा करे सब को सबको संदेश देगा तो कैसे तरीका से देगा तरीका से दे किसी को दुख न हो सब प्रसन्न रहे सबको खुशी हो जाए पर्चा सबको बांटना पड़े अच्छा होगा हैं पर्चा बांटा तुमने सबको लिटरेचर सबको बांटा वीसीडी डीवीडी तुमने सबको बांट दी और समझाया कुछ भी नहीं तो फेंक देंगे फायदा कुछ भी नहीं होगा एक एक करके समझाएगा बाबा एक एक करके समझाओ और साथ साथ उनको फिर लिटरेचर देते जाओ मतलब वो भी जब कांध हिलाए कि हाँ कुछ समझा हाँ, हाँ, तो लिटरेचर देने से भी फायदा नहीं तो फिर लिटरेचर देने से भी फायदा नहीं है और जो कुछ सब तो बाबा की याद में रह के समझाएंगे तो असर पड़ेगा अपने ही अहंकार में आके समझाएंगे तो उनके असर पड़ेगा ही नहीं मतलब घर में जाके गुरु घर के जाके सेवा करेगा सप्ताह हर महीना में सप्ताह में जाके सेवा करेगा मतलब घर घर जाके हाँ गुरु लोग करते हैं ना
इसे गुरु लोग करते हैं घर घर जाकर। गुरु लोग तो अहंकार में करते हैं, मतलब गुरु लोग तो ऐसे करते हैं सेवा जैसे कि हमें ही ज्ञानी है, हमें भगवान का ज्ञान पैदा हो गया, हमको ज्ञान दिया किसी ने नहीं, हम खुद ही भगवान है। तो ऐसे अहंकार में आके सेवा करेंगे गुरुओं की तरह तो फिर कोई सेवा होगी नहीं, डिसर्विस होगी। अरे भगवान ने हमको ज्ञान दिया है या हमारा ज्ञान है? दिया है भगवान ने हमको ज्ञान दिया है, जो हमको ज्ञान मिला है वो हम आपको दे रहे हैं। हमारे पास कोई नई चीज नहीं है देने के लिए, अपनी हमारे पास कोई चीज नहीं है। ऐसे निरहंकारी होकर के ज्ञान देना है। हाँ शिव अलग अलग है तो एक, अभी तो पूछा आपने यही बात, अभी अभी तो पूछिए। हाँ जी विभुन जी, विभुन जो क्लास करेंगे उसका है, विभुन जी जो क्लास करेंगे युगल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट बेसिक में क्लास करेंगे, बीरभूम में डिस्ट्रिक्ट दूसरा अच्छा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का नाम है। हाँ, हाँ। हम क्लास करेंगे दोनों तीन चार महात्मा के मिलकर, उसके क्लास के नाम गीता पाठशाला, गीता पाठशाला तो नहीं होता हमारा, गीता पाठशाला तो तब नाम होता है जब युगल हो पढ़ाने वाले, हमारा युगल नहीं चलते हम का, तो ऐसे ही संगठन चलाओ, ऐसे ही संगठित होकर के बैठो, जब कोई युगल निकल आए तो उसको निमित्त बना देना। दो के लिए लागू होता है, एक पतित है एक पावन है। एक दुनिया का सबसे जास्ती पतित है और एक दुनिया का सबसे जास्ती पावन है, दोनों मिलकर के एक हो गए तो नाम पड़ गया पतित पावन। जैसे नाम पड़ गया शिव शंकर तो शिव है बड़े से बड़ा, नहीं यहाँ पावन पतित की बात नहीं, एक बात बताई कि दो नाम इकट्ठे कैसे हुए, ऐसे ही यहाँ पतित पावन है, पहले पतित फिर पावन, पतित होगा तो पावन आएगा, पतित ही नहीं होगा तो पावन कैसे आएगा। रचना रचयिता ड्रामा ये अंतर क्या है? रचना रचयिता ड्रामा, रचना है कृष्ण, रचयिता है नारायण, और दोनों जो चक्कर लगाते हैं वो ही है ड्रामा। रचना और रचयिता कृष्ण और नारायण, बाप और बेटा, जो 84 के चक्कर काटते हैं वो ही चक्कर है, ड्रामा है। बाबा अभी जो फेसबुक और कुछ ऐसा करके जो है ना कम्युनिकेशन का जो साधन है, कम्युनिकेशन को जो इंटरनेट वाला जो साधन है, वहाँ पे जो भाई लोग कार्टून बना के शेयर कर रहे हैं, कार्टून बना के, हाँ मतलब ज्ञान के आधार पे बाबा जो बातें बोला ना अभी तक जितना, तो सिंपल फॉर्म पे जैसा एक नारायण का ही चारों हाथ है ना विष्णु का रूप है, तो विष्णु नारायण एक नहीं है, पांच है नारायण तो दो पेयर्स है, दो युगल है, एक राधा कृष्ण एक राम सीता, दोनों का कम्बिनेशन विष्णु है। ये सूर्यवंश और चंद्रवंश है दोनों मिलकर के कंबाइंड हो जाए, एक संस्कार वाले हो जाए तब विष्णु तैयार होता है।
जब हाई जंप लगाएगा तब होगा। अरे तुम हाई जंप लगाओगे ताकत दोगे दे दान तो छूटे ग्रहण तो हो जाएगा, तो संगठित होते ही नहीं। और जो इतना सीता की पुण्य लोग प्यार किया ना 108 के से भी ज्यादा, तो गंगा कुमारी ज्ञान के आधार पर गीता का जो मतलब सीता की पुण्य होना चाहिए उसका ज्ञान के बेस करके ये क्यों नहीं बनाया अभी। जो ब्रह्मा कुमारी है शास्त्रों को मानने वाली होंगी वो गीता की टीका करेंगे गीता शास्त्र की, या जो असली शास्त्र है ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ उसको जमीन में दबा के आ जाएंगी, जमीन में खोद के गाड़ देंगी वो टीका करेंगी, बस यही जवाब है। और रशिया में गीता के लिए लड़ाई शुरू हुआ है, रशिया नास्तिक कंट्री रशिया है, गीता के लिए रिसेंटली लड़ाई शुरू हुआ है। गीता को बैन करने के लिए नहीं तो बोला एक धार्मिक एक ग्रंथ है, है बैन करने के लिए लड़ाई शुरू हुआ है, यहाँ का मतलब क्या हुआ? मतलब वो नास्तिक देश है कि आस्तिक देश है? नास्तिक। तो नास्तिकों का ही काम करेंगे इसमें क्या बड़ी बात हो गई? जो देश ही नास्तिक है वो नास्तिकों का काम अपना पूरा करेगा या आस्तिक बने का काम पूरा करेगा? नास्तिकों का काम कर रहा है। लाश भी गुम हो गया, नाम निशान भी गुम हो गया। नाम निशान भी गुम हो गया बोलते कि वहाँ मुझकी मुरली की गुम बैठे, मुरली गुम नहीं हो गई? हाँ मुरली के बारे में बोला, मुरली भी गुम हो गई और जिसके द्वारा मुरली निकली वो भी गुम हो गया, उसका फोटो भी नहीं मिल रहा है। हालांकि मुरली ने बोला है इन दीदी जातियों इन बच्चियों के पास वो फोटो है, अब वो प्रजापिता का नाम भी नहीं लेती। उसमें तो भूमा बाबा थी, ब्रह्मा बाबा थी क्या है? सुमय लाश भी गुम हो गया। हाँ सुमय ब्रह्मा बाबा थी ना? हाँ ब्रह्मा बाबा थे, सो क्या हुआ थे? इसीलिए तो मम्मी और पापा में लड़ाई हो गई, चीन जापान की चढ़ाई हो गई। हाँ माँ बाप की लड़ाई में बच्चे पिसते हैं कि कौन पिसेगा? उसमें जो जो शामिल थी बाबा उस काम के लिए उसका पनिशमेंट क्या हुआ? जो शामिल थी उस बारे में समीप शामिल थी सब दूसरे धर्म वाले सजाएं नहीं खाते हैं? जो और धर्म में कन्वर्ट होते हैं भारत को बदनाम करते हैं वो फिर सजाएं खाएंगे या नहीं खाएंगे? वो धर्मराज सजाएं खाएंगे, जो एंगेज नहीं थे वो राजा ही पाएंगे। राजधानी उस लड़ाई में एंगेज होने वालों की बनेगी या जो एंगेज नहीं थे उनकी बनेगी? है जो एंगेज नहीं थे उनकी राजधानी अब तैयार हो रही है। हाँ हद में तो कश्मीर तो अलग है, तो हद में हाँ बिहार में कश्मीर है कश्मीर हद में
हद्दा प्रकाशमनी है। हद्द माने आधार मूर्त और बेहद माने बीज रूप। तो बीज रूप में प्रकाशमनी का तुम्हें पता ही नहीं चला? बाबा बीज रूप है। बोलो, रावण का बीज रूप भी बाबा है और राम का बीज रूप भी बाबा है। वो तो ठीक है, वो तो मुरली में बोला, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। लेकिन जब प्रकाशमणि बाबा के द्वारा बाबा से टैली किया जाए तो इतना तो सोच लेना चाहिए कि धरणी में बीज बोया जाता है तब वो फलदायी होता है कि बिना बोए फलदायी हो जाता है। बोई आलू है, फरुखाबाद में बोया जाता है तो कोई गैस नहीं करता। वही आलू दक्षिण भारत की धरणी में बोया जाता है तो गैस पैदा कर देता है। इतना अंतर नहीं समझ में आता है? बीज तो एक ही है लेकिन रूप बदलता जाता है। जैसी जैसी धरणी वैसा वैसा रूप हो जाएगा। हाँ, माटी श्री राम जो तीरबाण है ना हाथ में, श्री राम का जो हाथ में तीरबाण है ना, धनुष बन गया, धनुष बन गया ना, तो देवत में क्या बोला? धनुष कहते हैं पुरुषार्थ को। पुरुषार्थ रूपी धनुष है, उसमें ज्ञान का बाण चढ़ाया जाता है। उस पुरुषार्थ रूपी धनुष में बुद्ध रूपी तरकस जुड़ा हुआ है। उस बुद्ध रूपी तरकस में बाण भरे जाते हैं। कहते हैं कि राम ने धनुष तोड़ा। वो धनुष किसका था? है? हाँ, यज्ञ में जो धनुष तोड़ा वो धनुष किसका था? कहते हैं शिव का धनुष था। वो शिव का धनुष दधीचि के ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था। और दधीचि कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्मा की आत्मा ही दधीचि ऋषि है। ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ को भी राम वाली आत्मा ने तोड़ दिया। राम वाली आत्मा ने उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस कर दिया। ये पुरुषार्थ रूपी धनुष तोड़ने का अर्थ हुआ। उसी धनुष को जिसको रावण हिला भी नहीं सका, जिस पुरुषार्थ को रावण उठा ही नहीं सका, उसी पुरुषार्थ रूपी धनुष को सीता ने बाएं हाथ में उठा लिया। धरणी का लेपन करते हुए तो ये सब कवियों की कल्पनाएं होती हैं। कवियों ने जो कुछ भाषा है उस भाषा में, अपनी अलंकारिक भाषा में बात की है, प्रतीकात्मक भाषा होती है, उस भाषा को सीधा सीधा अर्थ नहीं उठाया जाता है। हाँ जी, गुलजार दादी कितना समय रहेगा बाबा? उसके लिए तो ब्रह्मकुमारी भूत डांटता है। क्या गुलजार दादी? गुलजार दादी कितना समय रहेगा? कितना दिन रहेगा? तुम्हारे ऊपर क्या वजन पड़ रहा है? मतलब उसके लिए तो सब माउंट आबू जाता है। माउंट आबू जाता है ना, उसके सब लोग पार्टी करने जाता है ना। दुनिया में इतने भूत प्रेत आते हैं, लोगों में प्रवेश करते हैं, उन भूत प्रेत वाले अवलियों के पास लोग नहीं जाते हैं? जाते हैं। जैसे उन अवलियों के पास जाते हैं वैसे यहाँ भी जा रहे हैं। आपको क्या परेशानी हो गई? उन्हें जाने दो। आपको तो नए नए पॉइंट मिल ही जाते हैं। एडवांस पार्टी को नए पॉइंट नहीं मिलते? मिलते हैं। तो आपको तो फायदा है, आपको तो नुकसान नहीं है? नहीं, बहुत फायदा। आप क्यों मरवाना चाहते हैं? तो पॉइंट मिलता है बाबा, दिमाग घूर जाता है। दिमाग जब घूरता है कम होता है, उसके साथ हम मुकाबला करते हैं। हिम्मत होता है, लेकिन बाबा हिम्मत क्यों हम भांग देता है?
गुरुजनों की भरी हुई कमजोरी किसकी है? तुम हिम्मत हार जाते हो या सब हिम्मत हार जाते हो? सबको ही हिम्मत हार जाते हैं या तुम ही हिम्मत हार जाते हो? नंबर वार हिम्मत हारने वाले हैं और नंबर वार हिम्मत करने वाले हैं। कोई ऐसा भी तो होगा जो हिम्मत हारता ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। शास्त्र में देखा था बाबा, अस्त्र में जब को किया तो वो जब को आगे जो अस्त्र छोड़ दिया तो जितना तू जाते हैं वो उसका मतलब ये हो जाता है, उसका जमीन में आ जाता है। तो वो अस्त्र रामकुश पकड़ाया तो राम के साथ युद्ध हुआ, इसका बारे में क्या बाबा? लव और कुश है कौन? बड़ा ड्रामे में लव कुश कौन है? अरे राम वाली आत्मा लव कुश है। बड़ा ड्रामे में लव कौन है और कुश कौन है? हैं? कौन है? लव है। इस्लाम धर्म का बीज रूप आत्मा लव और क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्मा कुश है। कुश माने कांटा, ये कांटे के समान है। ये दो बच्चे हैं त्रेता युगी राम की औलाद। कौन कौन? एक लव और दूसरा कुश। लव बड़ा है, कुश छोटा है। हिम्मत आए कि बाप की याद से ना? बिल्कुल, बाप की याद करेंगे उसमें और ज्यादा हिम्मत वाले बनेंगे। हिम्मत उतनी आएगी जितना ज्ञान गहराई से धारण किया होगा। बाप को पहचाना होगा, बाप को गहराई से पहचाना ही नहीं है तो हिम्मत भी नहीं आएगी। हिम्मत नहीं आएगी तो सेवा भी नहीं करेंगे। नादी ने जो बात सुना ना बाबा के लिए हमारा बहुत दुख रहा, लेकिन उसके जाकर मेरा बड़ा कार्य मेरा साहस है। नादी ने जो बात सुना बाबा के लिए है? मेरा सच्चा बाबा कहीं इतना दुख दिया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। क्या दुख दिया? लोग कहते हैं राम ने इतना दुख झेला उतना दुख लेला। राम की कथा सुनते हैं तो रोते जाते हैं। अरे राम अपने जीवन में रोए कभी? तो फिर तुम क्यों रोते हैं? राम का तो दिन दूना रात चौगुना उत्साह उमंग बढ़ता रहा, उनकी कथा सुनने वालों का होलडाल हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ये आत्मा की शक्ति धारण करने की बात है। सबके हस्ताक्षर हो गए? रजिस्टर दिखाना। इस स्थान का तो नाम ही नहीं लिखा किसी ने, पता ही नहीं लगता है। बहरमपुर के कितने लोग हाथ उठाइए? सब बहरमपुर के हैं? हमारा करमपुर बाबा है, हमारा करमपुर है। अच्छा, आप माताएं करमपुर से हैं? नदिया है। नदिया से? नदिया। अच्छा, मैंने भाई लोग ज्यादातर बहरमपुर से हैं। भाई एक भाई है नदिया से? अच्छा अच्छा, नदिया से चार लोग। फिर मिनी मधुबन तो यहाँ नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि 50 की संख्या तो है नहीं। गीता पाठशाला है बाबा? हाँ हाँ, गीता पाठशाला है, लेकिन यहाँ दो गीता पाठशालाएं हैं। दो गीता पाठशालाओं के रजिस्टर देखने से पता चलता है कि 10-15 लोग आते हैं, लेकिन जो 10-15 लोग आते हैं वो दोनों जगह इकट्ठे देखे जा रहे हैं। इधर की गीता पाठशाला में भी आते हैं, उधर की गीता पाठशाला में भी जाते हैं, तब संगठन क्लास बनता है 10-15 का।
तो नियम तो ये है कि मिनी वधवन तब खोलना है जब 50 हो संख्या। थोड़ी कोशिश करो, मेहनत करो। मिनी मधुवन तो एक तो तैयार हुआ पड़ा है, ऊपर उसमें सिर्फ सेट डालना है और ज्यादा संगठन भी, ज्यादा गैदरिंग भी वहां इकट्ठी हो सकती है बैरमपुर कोर्ट में। तो जब तक वो तैयार हो तब तक कम से कम संख्या तो बढ़ा लो बाबा। नदियाँ कहने से बात नहीं है, लाओ रजिस्टर दिखाओ, रजिस्टर दिखाओ। तुम्हारे घर में खुलना है क्या? अरे किसके घर में खुल रहा है? ऐसे बहरमपुर जैसे बहरमपुर में है वैसे वहाँ किसी का घर में खुल रहा है क्या? बस 8 ही लोग तो हैं। भाटी करा 14-15 लोग ही तो हैं। फिर अब चाहिए संख्या कम से कम 50 की संख्या हो तो मिनी जमीन खोले। सेवा भी नहीं करते, सेवा भाग दौड़ के करें तो फिर लोग ज्यादा निकले। और मिनी मधुवन नहीं खुल रहा है तो और ठंडे होते जा रहे हैं, क्योंकि दूर दूर जाना आना नहीं होता है। घर में बैठे अकेले मुरली पढ़ते हैं या गीता पाठशाला में पढ़ते हैं तो 2-4 लोग आते हैं, उमंग उत्साह नहीं बढ़ता। कोई भी गीता पाठशाला में 5-6 दिखाई नहीं पड़ते हैं। पांडव 5 पांडव, छठी द्रौपदी, 7वीं कुंती दिखाई तो पड़नी चाहिए, वो भी नहीं देखने में आता। मिनी मधुवन खुलने से तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन मिनी मधुवन खुलेगा कब, उसका नियम क्या है? मिनी मधुवन लायक संख्या होगी तभी तो खुलेगा ना, या कि मिनी मधुवन में बैठने वाली कन्याएं भीख मांगेंगी? ब्रह्मा कुमारियों की तरह भीख मांगना शुरू कर दिया जाए एडवांस पार्टी में, फिर राजधानी बन जाएगी। राजधानी तो राजाओं की बनती है, राजाएं अधीन होते हैं, भीख मांगने वाले होते हैं कि स्वाधीन होते हैं? फिर जड़ ईंटें इकट्ठी कर देना, मधुवन बना देना, वो सहज बात है, लेकिन हमारी चैतन्य ईंटें हैं या जड़ ईंटें हैं? हमारा संगठन कौन सा है? चैतन्य ईंटों का। तो चैतन्य ईंटों का संगठन तो कम से कम देखने में आना चाहिए। आसपास के इलाके यहाँ जैसे नदिया है, और ये कौन सा गांव बताया? मालदा भी है, बिरभूम, मालदा नदिया, बिरभूम, मुर्शिदाबाद के बाजू में, मुर्शिदाबाद, ये चारों डिस्ट्रिक्ट आसपास। तो क्या सबको संदेश नहीं मिल पाया क्या? संदेश नहीं गया मालदा में, तो नहीं गया मालदा में, संदेश नहीं गया। हम तो ये सोचे बैठे थे कि यहाँ 2 मिनी मधुवन तैयार हो जाएंगे, लेकिन देखने में आ रहा है यहाँ तो स्टूडेंट्स की संख्या ही नहीं है। एक मिनी मधुवन भी पूरा नहीं हो पा रहा है। जब बुलाया गया था तब तो ये कहा कि बहुत स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग हैं, यहाँ बिखरे पड़े हैं, मिनी मधुवन खुल जाएगा तो ढेर सारी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहे। क्यों नहीं आई? कलकत्ता में क्लास था, वो आया नहीं। अच्छा कलकत्ता में क्लास हो गया कल, इसलिए नहीं आए?
जो पुलिया है पुलिया से चार पांच सात पांच नहीं पांच नहीं आत्मा है नदिया में 20 आत्मा है लेकिन बच्चे बड़ा के 15 है और पांच आदमी को बाकी ठीक है। हम अगली बार आएंगे तब तक वो मकान का वो सेट पढ़ना है क्या नाम कोर्ट वाले मकान का बहरमपुर में जो कोर्ट में मकान है ना उसमें सेट पढ़ना है। सेट पढ़ने के बाद वो मकान कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर संख्या बढ़ेगी तो यहाँ भी खोल देंगे। तो अगली बार तक देखते हैं 50 स्टूडेंट्स देखने में आएंगे तो बहनों को भेज देंगे। ओम शांति।